स्नेहन निमंत्रण एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आज़ादी बचाओ न्यूज नेटवर्क के वर्धापन दिन के अवसर पर पुरस्कार प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आने वाले 18 अक्टूबर 2024 की शाम 6:30 बजे हुतात्मा स्मृति मंदिर पार्क चौक सोलापुर में रखा गया है। इस कार्यक्रम में शहर के मान्यवर और सारेगामा पर की विजेता अंजलि गायकवाड़ वो राइजिंग स्टार फेम अभिषेक सराफ की मधुर आवाज गूंजेगी। एक शाम आज़ादी बचाओ के नाम। आज़ादी बचाओ हिंदी न्यूज चैनल चौथा वर्धापन दिन है, त्याचप्रमाणे आजादी बचाओ हिंदी पत्रिकेचं 20वे वर्धापन दिन है। सबसे पहले इस वर्धापन दिन के लिए मैं इस चैनल के प्रमुख हमारे हजी अजीज भाई पटेल जी को मैं यहाँ पे तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। और कार्यकारी संपादक जो है हाजी लोखंडवाला साहब, अफजल भाई हट्टे जी, महबूब साहब पटवेदर जी, रियाज भाई दंडौती जी, रफीक भाई गढ़वाल जी, इन सबको मैं, असीम पटेल जी है या कि मटकी जी है, इन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि ये 4 साल से मैं देख रहा हूँ जो आज़ादी बचाओ संगठना जो है ये न्यूज़ नेटवर्क के तरफ से सोलापुर में जाने माने हस्तियाँ जो है जिन्होंने सर्वधर्म समभाव, ये जो ब्रीदवाक्य है, सबको साथ में लेके जाके उनका सम्मान कर रहे हैं। उनको जीवन गौरव पुरस्कार, विशेष सेवा पुरस्कार, ऐसा देके जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एनकरेजमेंट देने का काम, उनको प्रोत्साहन देने का काम हमारी आज़ादी बचाओ संगठन कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट टाइम उनका एक प्रोग्राम में अटेंड किया था, तो उस प्रोग्राम में खास करके हुतात्मा अल्लप्पा धनचेट्टी, हुतात्मा अब्दुल कुर्बान हुसैन, हुतात्मा शिंदे जी, हुतात्मा सारडा जी, ये 4 हुतात्मा को ये प्रोग्राम उन्होंने समर्पण किया था। और ये 4 हुतात्मा का जो काम है, जिन्होंने 12 जनवरी को गेरवड़ा के जेल में अपना आत्मसमर्पण किया था, इनको फांसी लगाई गई थी गेरवड़ा के तुलना में, तो उनका जो गौरव है वो सामने रखिए, उनका जो कार्य है, उनका जो देश के लिए समर्पण की भावना है वो सामने रख के ये आज़ादी बचाओ का कार्यक्रम उन्होंने कर रहे। मैं तो बताओ, आज देश स्वतंत्र होके 75 साल हो चुके हैं, एक तरफ हम स्वर्ण महोत्सव साझरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो भावना है भड़काने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, तो आज़ादी बचाओ जैसी संगठनाएं आगे आके सर्वधर्म समभाव की जो भावना लोगों के सामने रख रहे हैं, ये इसको मराठी में बोलते हैं काळाची गरज है, ये टाइम का बहुत बड़ा ये मसला है, इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टडी होना चाहिए। लोगों के अंदर जो भेदभाव है, भेदभाव दूर करके हम सब लोग एक ही भगवान के बच्चे हैं, एक ही अल्लाह के प्यारे बच्चे हैं, और हम लोग देश की तरक्की के लिए हम काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भेदभाव रख के हम लोग अगर आगे गए तो कल अब हिंदी भारत देश की जो प्रतिमा है आज जो पाकिस्तान की हो गई है, श्रीलंका की हो गई है, जो वहाँ पे लोग आपस में झगड़ के आज देख रहे हैं, आज ईरान इराक के अंदर चला है, इज़राइल के अंदर जो चला है, लेकिन इंडिया में जो है, इंडिया में बहुत अच्छा यहाँ पे शांति है। ये शांति बिगाड़ने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको दबाने की कोशिश
आज़ादी संघ आज़ादी बचाओ संघ अपना कर रही है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए कि जो सोलापुर है सिद्धरामेश्वर की पवित्र भूमि है, शाहजी बाबा की पवित्र भूमि है और बहुत सारे हमारे संत महात्मा यहाँ के आ के गए हैं जो कि इस शहर में अमर रखने का काम उनके आशीर्वाद से हो रहा है कि आगे भी ये चलते रहेगा और हम सब लोग अच्छी तरह तरक्की करके कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई और साइंटिस्ट बन के सोलापुर का नाम जो है वो रोशन करेगा। इतना ही आज का इस आज़ादी बचाओ न्यूज़पेपर के नेटवर्क को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका काम इसी प्रकार बढ़ते रहे अल्लाह ताला तो मैं प्रेयर करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।